डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो है थर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। फर्स्ट वीडियो में हमने 4.1 के कॉन्सेप्ट्स लिए, सेकेंड वीडियो में 4.2 और कुछ क्वेश्चंस, थर्ड वीडियो में अभी मैं 4.1 एंड 4.2 दोनों की सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स लेने वाली हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिफ्थ क्वेश्चन से। फाइंड द कंडीशन, हमें कंडीशन निकालनी है। द लाइन 4x + 5y = 0 कॉइंसाइड विद वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस। ये जो 4x + 5y है ये कॉइंसाइड करती है किसके साथ? इसकी वन ऑफ द लाइन के साथ। तो सॉल्यूशन हमने निकाला स्लोप ऑफ द लाइन। कौन सी लाइन दी हुई है हमें? 4x + 5y = 0। अब हम स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस x का कोफिशियंट अपॉन y का। x का है 4, y का है 5, तो ये हो गया -4/5। नाउ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट दिस लाइन कॉइंसाइड्स विद वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस। इट मींस जो भी इस लाइन का स्लोप होगा इज रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी मतलब स्लोप की फॉर्म में। तो कैसे लिखा जाता है? पीछे से bm² + 2hm + a = 0। अब हम यहां पर m के प्लेस पर कितना पुट कर देंगे? -4/5, क्योंकि ये जो हमने स्लोप निकाला इस लाइन का ये वन ऑफ द लाइन है रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वी नो स्लोप ऑफ नेगेटिव स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 25, तो कितना हो जाएगा? 16b। द 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 25 कैंसिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40h + 25a = 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। हमें कंडीशन निकालनी है और ये हो गई हमारी कंडीशन। नाउ फ्रेंड्स, इसी में सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ कॉइंसाइड की जगह क्या दे दिया? परपेंडिकुलर। तो हमने स्लोप निकालेंगे सेम वे, -4/5, और कॉइंसाइड की जगह हम क्या लिख देंगे? परपेंडिकुलर विद वन ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर अब -4/5 नहीं आएगा, परपेंडिकुलर है ना, मतलब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो वो कितना होगा? 5/4। तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4 इज रूट ऑफ द, और m के प्लेस पर अब हम क्या पुट करेंगे? 5/4। तो दिस सेकेंड पार्ट कंप्लीट योर सेल्फ। अभी जो मैं सिक्स क्वेश्चन लूंगी वो भी सिमिलर है फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, तो दैट पार्ट यू हैव टू डू योर सेल्फ। अब हम लेते हैं सिक्स वन। नाउ सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax² + 2hxy + by² = 0 इज परपेंडिकुलर। जो हमने फिफ्थ क्वेश्चन किया उसमें कॉइंसाइड था, यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया है। सेम हमें कंडीशन निकालनी थी, यहाँ तो और इजी है, शो दैट दिया है, मतलब आंसर भी हमारे पास है। तो सेम मेथड हम स्लोप निकालेंगे px + qy = 0, जो होता है -x का कोफिशियंट डिवाइडेड बाय वाई का, तो ये हो गया -p/q। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? सिंस वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस इज परपेंडिकुलर टू px + qy, ऐसा हमें दिया हुआ है। देयरफॉर अभी फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट -p/q वो लिखा था, लेकिन अगर कॉइंसाइड होगा, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर है इसलिए हम इसका लेंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल, जो हो जाएगा q/p। तो q/p इज रूट ऑफ इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, bm² + 2hm + a = 0, और इसमें हम m के प्लेस पर क्या रखने वाले हैं? q/p, 2h m के प्लेस पर q/p प्लस a = 0। तो ये जगह bq² p² 2hq p प्लस a = 0। अब ये डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे? p और p स्क्वायर का एलसीएम p स्क्वायर से मल्टीप्लाई,
on both the sides. So final answer BQ square 2H PQ AP square equals to 0. इसी को हम इस ऑर्डर में लिखेंगे तो यू गेट ए पी स्क्वायर प्लस टू एच पी क्यू प्लस बी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. तो हेंस प्रूफ. सेवंथ क्वेश्चन इज फाइंड कंबाइंड. कंबाइंड मीन्स जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस दैट आर पासिंग थ्रू ओरिजिन. लाइंस दोनों ओरिजिन से पास होती हैं एंड मेकिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ वाई इक्वल्स टू थ्री. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिगर से. हमें डायग्राम जो बनाऊंगी उससे समझना है. तो y इक्वल्स टू 3 ये कैसी लाइन है. y इक्वल्स टू 3 इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. ये लाइन है y इक्वल्स टू 3. अब जिन लाइंस की इक्वेशन निकालनी है वो ओरिजिन से पास होती है और y इक्वल टू 3 के साथ कैसा ट्राइंगल बना रही है, इक्विलेटरल. तो लेट अस टेक दीज टू लाइंस. ये हो गई लाइन L1, क्योंकि दोनों ही लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से. तो हमने ओरिजिन से पास कर दी. और दूसरी कंडीशन है इक्विलेटरल. हमें पता है इक्विलेटरल में ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री. तो अब हम निकालना चाहते हैं इन दो लाइंस की, ये लाइन और दूसरी ये लाइन, इन दोनों लाइंस की हम निकालना चाहते हैं कंबाइंड इक्वेशन. कंबाइंड इक्वेशन के लिए हमें इनका स्लोप पता होना चाहिए. तो ये अगर 60 है तो ये लाइन, ये भी 60 और ये कितना हो जाएगा, ये 60 60 60 120. तो इसका मतलब इंक्लिनेशन ऑफ दीज टू लाइंस, इस वाली लाइन का इंक्लिनेशन 60 डिग्री और दूसरी लाइन का इंक्लिनेशन हो जाएगा 120 डिग्री. तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस आर 60 डिग्री एंड 120 डिग्री. तो स्लोप क्या होता है, 1060. तो स्लोप ऑफ लाइंस 1060 मतलब रूट थ्री और 120 मतलब माइनस रूट थ्री. तो स्लोप ऑफ दीज लाइंस हो जाएंगे रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री. नाउ ये लाइंस कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से. तो लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास होता है उसे कैसे लिखा जाता है, y इक्वल्स टू एम एक्स. एम कितना है, रूट थ्री. दूसरे का एम कितना है, माइनस रूट थ्री. तो ये हो गया यहाँ पर रूट थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड लाइन हो गई रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो. अब हमें क्या निकालना है, कंबाइंड इक्वेशन. हमें पता है कंबाइंड इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, यू वी इक्वल्स टू जीरो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल्स टू जीरो. नाउ ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो देयरफॉर फाइनल आंसर इज 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. नाउ इन एट क्वेश्चन दिस वी नो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट टू लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन. अब इसमें से एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के 4 times है. देन शो दैट, ये हमें कंडीशन प्रूव करनी है. मतलब ये आंसर है इसका, स्टार्टिंग में कोई काम नहीं है. तो स्टार्ट कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, लेट, क्योंकि ये दो लाइन रिप्रेजेंट करती है तो उनका हमने स्लोप क्या मान लिया, एम वन एंड एम टू. तो लेट एम वन एंड एम टू बी द स्लोप्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. नाउ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 4 times द अदर. तो अगर मैं फर्स्ट लाइन के स्लोप को m लेती हूं तो सेकेंड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 4m, 4 times. नाउ वी नो m1 प्लस m2 क्या फॉर्मूला होता है, माइनस 2h अपॉन b. m1 की जगह m लिखेंगे, m2 की जगह 4m, ये हो गया माइनस 2h अपॉन b. तो 5m कितना हो गया, माइनस 2h अपॉन b एंड देयरफॉर m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2h अपॉन 5b. मार्क इट एज फर्स्ट. अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 m2.
इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए अपॉन बी। एम वन की जगह रखेंगे एम, एम टू के प्लेस पे रखेंगे 4m, ए अपॉन बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4m स्क्वायर ए अपॉन बी। एम स्क्वायर, एम की वैल्यू हमारे पास है ना, कितना है m, माइनस 2h अपॉन 5b और इसका स्क्वायर। अब हमें तो पता है कि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन 25b स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, a अपॉन b। 4 into 4 16, 16h स्क्वायर, ये इधर शिफ्ट होकर 25ab स्क्वायर अपॉन b, एक b से एक b कैंसिल, एंड फाइनली जो हमें प्रूव करना था वो हमें मिल चुका है, 16h स्क्वायर इक्वल्स टू 25a। नाइन्थ क्वेश्चन इज, वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस, इट रिप्रेजेंट टू लाइंस एंड इट इज गिवन दैट वन ऑफ द लाइन बाइसेक्ट एन एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एंड y एक्सिस, सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये एंगल है, इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन कैसे हो सकती है, वन ऑफ द लाइन बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बट विच इट इज नॉट क्लियर हियर, सो लाइन मे बी दिस बिकॉज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इनके बीच का एंगल, एंड लाइन मे बी दिस ऑल्सो, ये भी तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एंगल भी हो सकता है। सो स्लोप ऑफ लाइन, ये तो कंप्लीट 90 है, बाइसेक मतलब 45 डिग्री, और इट मे बी 135, 90 प्लस 45 दैट इज 135, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां पर, स्लोप ऑफ लाइन इट मे बी प्लस 1 और माइनस 1। Now here two possibilities is there, it can be plus 1 because theta may be 45 degree or 135 degree. See, figure is must, figure बनाना must है, और figure से ही explain करेंगे, line जो है वो bisect करती है coordinate axis के बीच के angle को, clear नहीं है यहाँ पर, तो हम line ये वाली भी हो सकती है, एंड लाइन मे बी दिस ऑल्सो, सो लाइन का स्लोप 45 भी हो सकता है और लाइन का स्लोप 135, सॉरी थीटा 45 भी हो सकता है और 135 भी, तो लाइन का स्लोप 10 45 तो 1 हो जाएगा और 10 135 तो माइनस 1, तो स्लोप ऑफ लाइन प्लस। नाउ सिंस इट इज वन ऑफ द लाइन represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. So therefore m equal to plus minus 1 is root of, कौन सी equation आएगा, पहले भी किया ना इस टाइप के question, auxiliary equation। अब auxiliary equation कैसे लिखते हैं, bm square 2hm plus a equals to 0, यहां पर m के प्लेस पर हम पुट कर देंगे प्लस माइनस दोनों साइन, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दोनों 1 होते हैं, प्लस माइनस 2h प्लस a इक्वल्स टू 0, तो हम a और b को यहीं पर रखते हैं और ये जो प्लस माइनस 2h है इसको शिफ्ट करेंगे तो ये Now squaring on both the sides, so what we will get, a plus b bracket square minus plus 2h ka square which will give us 4h square, kyunki negative number ho ya positive uska square to positive hi aayega aur yahi condition hume prove karna hai। ओके, अब हम लेंगे एक्सरसाइज 4.2 और 4.2 का सेवंथ क्वेश्चन। फोर तक तो मैं पहले ही सेकंड वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ,
सेवन क्वेश्चन 4.2 का और सेवन क्वेश्चन 4.1 का सिमिलर है। अगर याद हो तो यहाँ दिया था y इक्वल्स टू 3 और इधर दे दिया उन्होंने y एक्सिस। कंबाइंड इक्वेशन ही निकालनी है। कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं विथ कहाँ से? y एक्सिस, और वहाँ पर दिया था y इक्वल्स टू 3। तो सेम इसको भी हम फिगर से ही करेंगे। दोनों लाइन कहाँ से पास होती है? ओरिजिन से। ये L1 ये L2 दोनों ही लाइन 60 डिग्री का एंगल बनाती है किसके साथ? y एक्सिस के साथ। सो इंक्लिनेशन सॉल्यूशन ना हो, डायरेक्ट स्लोप लिखना मुश्किल है, इसलिए हम पहले लिखेंगे इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ टू लाइंस क्या हो जाएंगे? अगर ये इंक्लिनेशन हमेशा x के साथ देखा जाता है, ये टोटल 90, ये एंगल 60, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। तो इंक्लिनेशन ऑफ टू लाइंस ये 30 डिग्री हो गया, 30 एंड 120, ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया? 150 डिग्री। तो दो लाइन के इंक्लिनेशन हो गए 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो देयरफॉर स्लोप्स क्या हो जाएंगे उनके? स्लोप क्या होता है? 10-30 डिग्री। 10-30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और 10-150 होता है -1/√3। तो इंक्लिनेशन से स्लोप निकाला सेम जैसा हमने 7 क्वेश्चन में किया था। अब हम निकालेंगे इक्वेशंस। दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास होती है तो इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? y इक्वल्स टू mx, एक बार m की जगह 1/√3 रख देंगे और दूसरी बार m की जगह -1/√3। ये हो जाएगा √3y इक्वल्स टू x और यहाँ से मिल जाएगा √3y इक्वल्स टू -x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x माइनस √3y इक्वल्स टू 0 और इसको कैसे लिखेंगे? x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। नाउ लास्ट एंड फाइनल स्टेप, कंबाइंड इक्वेशन मतलब जॉइंट इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी? दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर 3y² इक्वल्स टू 0। सिक्स क्वेश्चन इज इफ एंगल बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू एंगल रिप्रेजेंटेड बाय दिस, देन वी हैव टू शो दैट। ये तो रिजल्ट है जो हमें शो करना है, स्टार्टिंग में इसका कोई काम नहीं है। स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट θ1 बी एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। एंड वी नो द फॉर्मूला tan θ1, व्हाट इज इट? 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस बी। मैंने यहाँ पर मॉड नहीं यूज किया क्योंकि यहाँ एक्यूट एंगल नहीं लिखा। ये हो गया। नाउ लेट θ2 बी एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो अगेन इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। बोलो h की जगह क्या करेंगे? h इसका हाफ 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ए बी, ए 2 है बी 3 है अपॉन 2+3। तो ये कितना हो जाएगा? 25/4 माइनस 6/5 1/4/5 2 इंटू 1/2 5 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनली ये कितना आ गया? 1/5। Now, what is the given condition that since it is given? What is given? θ1 equals to θ2. It means this is, जब θ1 equal to θ2 है, मतलब tan θ1 भी किसके equal होगा? tan θ2 के। Now, what is the value of tan θ1? 2√h² minus ab upon a plus b. And what is the value of tan θ2? 1/5। दोनों को equal रख दिया। अब result में root sign तो नहीं है,
मतलब ये रूट साइन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। स्क्वायरिंग करने पर ये हो जाएगा 4, ये रूट हट जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे आ जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है 25। सो इधर शिफ्टिंग कर देंगे एंड देयरफॉर फाइनल रिजल्ट 100 एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। Keep watching and keep learning.